बॉडी बिल्डर फेडरेशन की ओर से 7 मार्च को गोल्डन मोमेंट में मिस्टर करनाल नामक बॉडी बिल्डर कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। ये जानकारी फेडरेशन के अध्यक्ष पंकज गाबा द्वारा आज यहां करनाल के एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मिस्टर करनाल के अलावा मिस्टर एंड मिस फिटनेस कंपटीशन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें अन्य प्रदेशों के युवक व युवतियां भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जूनियर बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन भी करवाया जाएगा, जिसमें अन्य प्रदेशों से आए प्रतिभागी भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस मौके पर दिव्यांग बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का भी अलग से आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांग बॉडी बिल्डर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। यहां हम आपको बता दें कि इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन पहले भी करनाल में कई बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन करवा चुकी है, जो बेहद सफल रहे हैं। उनके इसी प्रयास के चलते आगामी 7 मार्च को करनाल के गोल्डन मोमेंट में मिस्टर करनाल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस मौके पर इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन से जुड़े अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। हम 2019 से तो 2019 में भी हमने एक चैंपियनशिप कराई थी मिस्टर करनाल मिस एंड मिस्टर फिटनेस और एक ओपन चैंपियनशिप। तो 2020 में हम ड्यू टू कोरोना की वजह से हमारा पोस्टपोन हो गया था। तो अब 2021 में हम 7 मार्च को मिस्टर करनाल करवाने जा रहे हैं, जिसमें कई कैटेगरीज हैं मिस्टर करनाल में। साथ ही एक कंपटीशन रहेगा मिस्टर एंड मिस फिटनेस का ओपन क्लासिक चैंपियनशिप, जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो अदर स्टेट से हो चाहे वो अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हो। जो मिस्टर और जो मिस्टर करनाल है उसमें केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट करनाल के ही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसी के साथ एक ट्रायल होगा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप का, जिसमें पूरे स्टेट से आएंगे ट्रायल के लिए। और ट्रायल होगा फॉर जूनियर नेशनल वुमेन चैंपियनशिप का, वो भी उसी दिन गोल्डन मोमेंट में ही होगा। एक ट्रायल फॉर मास्टर नेशनल चैंपियनशिप का भी होगा। एक सबसे जो बात है, ट्रायल होगा दिव्यांग बॉडी बिल्डरों का भी। तो उसमें ये 7 मार्च का इसलिए रखा गया क्योंकि स्टेट जो हमारी चैंपियनशिप है वो 27 मार्च को है गुड़गांव में, और जो ट्रायल हैं इनके जूनियर नेशनल के वो 14 मार्च को लुधियाना में नेशनल इसका चैंपियनशिप होगी। तो संदीप शर्मा जी हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन के, आगे आपको ये ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले तो एज ए जनरल सेक्रेटरी बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और धन्यवाद देना चाहूँगा गाबा जी का, पंकज जी का, जिन्होंने इतना सब ऑर्गेनाइज किया। पिछले 10 साल से हम लोग चैम्पियनशिप करवा रहे हैं बॉडी बिल्डिंग की, और पिछले 3 साल से जब से गाबा जी जुड़े हैं इस एसोसिएशन में प्लेयर्स को इतना सहयोग मिला है और इतना योगदान दिया इन्होंने कि बच्चों को बहुत अच्छे गिफ्ट्स और बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो जैसे कि अब इन्होंने बताया कि हमारा 7 मार्च को कॉम्पिटिशन है, ये सिर्फ एक कॉम्पिटिशन नहीं है, इसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डिंग का जो मिस्टर करनाल का है, मिस करनाल फिटनेस, मिस्टर करनाल फिटनेस और क्लासिक चैम्पियनशिप है। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि जूनियर्स का क्या है, जो बच्चे 20 मार्च से पहले 21 साल से नीचे के हैं उन सब का ट्रायल है, गर्ल्स का भी और बॉयज़ का भी, जो लुधियाना में चैम्पियनशिप के लिए जा रहे हैं। हमारा मोटिव मेन ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट किया जाए, युवाओं को, ताकि उन्हें अच्छे गिफ्ट्स और अच्छे प्राइज मिले और वो बुरी आदत से बुरी संगत से बचें और अपना हेल्थ के लिए वो अवेयर रहें। अभी देखा जैसे ड्यू टू कोविड कितनी परेशानी आई है लोगों को, हर किसी को, लेकिन अब जो बच्चे या जो लोग अवेयर थे हेल्थ से, कहीं ना कहीं उनको बहुत बचाव हुआ है। तो हमारा मेन मोटिव यही है इस चैम्पियनशिप का, एक मैसेज देना कि अच्छे से अच्छे सब लोग हेल्दी रहें, और जो बच्चे अपने आप को ज़्यादा अवेयर रखते हैं और गेम की तरफ जाते हैं तो उनके लिए और भी अच्छा स्कोप हो। अब जैसे हम ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक